बदलगढ़ नमस्कार, आज मैं पहुंचा हूं अपने पड़ोस के गांव मोदीपुर में, जहां पे एक नया मकान बनाया जा रहा है और मकान बनाने के लिए यहां पे सीमेंट कट्टे रखे हुए हैं। तो उस कट्टों के नीचे सांप देखा गया था, तो वहां पर पहुंचा हूं और मैंने यहां पे देखा है अभी ये ब्लैक कोबरा है, तो उसको हम रेस्क्यू कर लेते हैं। तकड़ी फोकड़ मार रहा भाई। तो बैठ जाओ, बैठ जाओ। तो देखिए, हमने इसको यहाँ पे सक्सेसफुल रेस्क्यू कर लिया है, सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया है, और इसको एक डब्बे में डाल लेंगे। ये देखिए एक कोबरा है, तो देखिए हमने यहाँ पे इसको रेस्क्यू कर लिया है। ये एक ब्लैक कोबरा और लगभग ऑल ब्लैक है, क्योंकि यहाँ पे सफ़ेद जो है ये बहुत कम है। यहाँ पर ज़्यादातर ब्लैक कोबरा ऐसे ही निकलते हैं, नीचे से सफ़ेद होते हैं, ऊपर से ब्लैक होते हैं। तो देखिए, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इस जीव की जान बचाई है। और ये बिल्लू राम श्रीमान बिल्लू राम जी हैं, और ओके रवि, इनका नाम रवि है, लोकेश कुमार और योगेश कुमार और ये लोकेश कुमार। तो इन्होंने यहाँ पे नया मकान बनाया अभी, और इस मकान के अंदर फर्श डालने का काम चल रहा था और सीमेंट के कट्टे के नीचे ये सांप था, तो हमने इसको सक्सेसफुल रेस्क्यू कर लिया है। तो इसे एक सुरक्षित जगह पर छोड़ देंगे, मिलते रिलीज टाइम से। चलिए, वेलकम बैक। अभी हमने गांव मोदीपुर से जो ब्लैक कोबरा रेस्क्यू किया है, उसको मैं छोड़ने के लिए आए, और ये बहुत अच्छी जगह पे यहाँ पे ये एक रास्ता है, और रास्ते के अंदर ही झुंडे हैं, तो इस अड़ंगे में ये रह सकता है। यहाँ पे काफ़ी दूर तक ये लाइन में है, तो इस जगह पे रह ले आराम से, उसके हम छोड़ देते हैं। तो देखिए, हमने इस सांप को यहाँ पे रिलीज़ कर दिया है, और इसी तरह जीवों को बचाते रहें, क्योंकि जीवों और पेड़ पौधों के द्वारा हमारा प्रकृति पर्यावरण बना हुआ है। तो जीवों को बचाएं और पेड़ पौधों को ना काटें, अपने पर्यावरण को बनाए रखें। जय हिंद, जय हरियाणा।